कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब धमाका, 5 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। धमाका 105 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कायम निजी बैंक में हुआ। पहली मंजिल के 2 फ्लैट तबाह, 1 को जुजवी नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने धमाके को गैस लीकेज का नतीजा करार दे दिया। पुलिस को भी बारूदी मवाद के शवाहिद ना मिले। जो इत्तलात हैं ओवरऑल के 4 से 5 की कैजुअल्टीज हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो दूसरी जगह से अभी मालूमात आ रही है। और अभी एक रिपोर्ट ये भी थी, अफवाह चल रही थी कि जी कोई दूसरा बला, वो एक्चुअली सैलानी की कोई थी, उसमें आग लग गई थी, तो इस वजह से था। मस्कन चौरंगी के करीब धमाका, रेस्क्यू इदारे फौरी वकूए पर पहुंच गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि इमारत के मरकजी पिलर्स टूट गए हैं। रेंजर समेत पुलिस अफसरान भी पहुंच गए। एनी शाहिदीन कहते हैं धमाका इतना जोरदार था कि मलबा 300 फीट तक जा फैला। आप एनी शाहिद हैं, बैंक में काम करते हैं, क्या हुआ था? भैया ब्लास्ट हुआ है ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ है, पूरी बिल्डिंग बैठ गई है नीचे। अच्छा, तो जब कितने बजे का ये वाकया था और कितने लोग अंदर मौजूद थे जो जख्मी हुए हैं? तकरीबन 10 बजे का था, 18 लोग थे तकरीबन, हमारे 17-18 लोग। अच्छा अच्छा,